चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। फिर से पीछे हो गया यार, बैटरी चेंज करने के चक्कर में। कंटेंट क्रिएट करना भी वैसे मेहनत का काम तो है। सुंदर नज़ारे हैं यार, कैसे ना शूट करूँ अब। और ये तो लास्ट सेक्शन है अब, एक दो घंटे का ये तो करना ही पड़ेगा। अभी मिले थे वो लोग, सब वापस आगे निकल गए वो लोग। अब वापस से थोड़ा अच्छा खासा 4-5 मिनट का गैप तो बन ही गया होगा, मुझे कैचअप करना पड़ेगा अब। एटलीस्ट रोड्स अच्छे हैं। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. यार जैसे गार्ड सेक्शन आता है, रिकॉर्ड करने का मन कर जाता है। क्या मस्त कर रहा था अभी। इतना बुरा साउंड करता ना कर्व्स। चढ़ाई चालू हो चुकी है हमारी, तो बेसिकली 2 घंटा बचा है, जिसमें से 1-1.5 घंटा तो यही होगा चढ़ना उतरना। और बाकी गोवा, नॉर्थ गोवा में कुछ जैसे एंटर करेंगे उसके आसपास, वहाँ पे वो हाईवे है, मुझे याद है मैं मार्च में विज़िट किया था। अंजना से तो मुझे काफ़ी रोड्स याद हो गए थे। कैंडलम में शायद सिंक का नाइट क्लब भी है, और डेल्टन ग्राउंड वाला मतलब लैंड पे जो कैसीनो है ओनली, वो भी है वहीं पर। भाई यार मैं तो गलत फैमिली में था कि ये लोग को कैचअप कर लूँगा मैं, क्योंकि ये तो गार्ड सेक्शन है, कितना ही तेज चल लेंगे लोग। मैं लिटरली फ्लैट से जिसमें 90 पे जा रहा हूँ, 9500, ऑब्वियसली सारी बाइक्स जो है वहाँ पे वो ज़्यादा पावरफुल हैं। तो इमेजिन कितने ही लोग होते होंगे जो गोवा अपने ही बाइक या अपने ही स्कूटी से जाते होंगे, मतलब ऑब्वियसली जो गोवा में रहते हैं उनके अलावा। हम लोगों के लिए तो अलग एक्सपीरियंस है। हम लोग चलाते हैं अर्बन जंगल में, ऐसे जंगल में चलाने का जब मौका मिलता है कितना मज़ा आता है यार। यार सब साथ में होते ना रिकॉर्ड करने में ज़्यादा मज़ा आता है यार। सब निकल गया आगे पीछे, सब लोग ऐसे लाइन में से कर्व्स पे
राइट लेग, फिर लेफ्ट लेग, बाहर निकाल निकाल के जो निकल के एकदम ऐसा सब आराम से करते ना, मज़ा आता। मतलब शायद छुट्टा उट्टा मारने रुकेंगे ही आधे घंटे में, मिल ही जाएंगे मुझे। ओहो, क्या खूबसूरत नज़ारा है, जंगल है भाई, पूरा जंगल एकदम मस्त, वादियाँ दिख रही हैं। भाई साहब हम ऑलमोस्ट 6015 किलोमीटर चला चुके हैं, सोए नहीं, उस वजह का थकान है। बाइक पर बैठने के जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई थकान नहीं, कोई कुछ वैसा फैटिक नहीं। हाँ बम में दर्द हो रहा है क्योंकि सीट थोड़ा कुशन नहीं है, ऑब्वियसली स्टॉक सीट है मेरा। पर यार ये व्यू यार, ऑसम व्यू मैन। कॉपीराइट शिट, यूट्यूब पे डालना पड़ता है कंटेंट, भूल के गा नहीं सकता। लास्ट मंथ में श्रीशैलम गया था पेरेंट्स के साथ कार में। यार कार में मुझे नहीं लगता था कि गार्ड सेक्शंस में इतना मज़ा आता होगा, पर ट्रस्ट में भाई कार में भी बहुत मज़ा आता है। बाय द वे डू यू नो व्हाट इज जीए मीन? इट्स नॉट गो ऑब्वियसली, इट्स गांडू आदमी। गोवा में यही है भाई, अचानक से सिविलाइजेशन आ जाती है। उफ, फक। खतरा रोड नहीं है, खतरा दे दिया, क्योंकि रोड पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या वो गिर सकते हो आप, पर दीदी कुछ भी कर सकते हैं। और गलती भी आपकी होगी, तो जब भी दीदी देखें सावधान रहें, सतर्क रहें। अरे भाई कब ख़त्म हो गया वाला पैच, इतना ज़्यादा ऑफ ग्रेवल रहेगा तो साला। अरे भाई पल्सर, बात यह कि वो पल्सर है और मैं हंटर पे बहुत सारा लगेज रख के बैठा हूँ और मेरा टॉर्क बहुत ज़्यादा है उससे। भाई साहब फिर शिट, सही सड़क पे जा रहे हैं ना भाई, क्या ही सड़क है भाई। अरे यार फिर आज वैसे ही मेरा दिन अच्छा नहीं है।
आगे थोड़ी सी उम्मीद की किरण दिख रही है मुझे। रोड अच्छी है थोड़ी, बस धनो थोड़ा और, बस थोड़ा। ओह माय गॉड, कुत्तों का बहुत राज है भाई, बड़े बड़े प्यारे हैं लेकिन है। इनको बोलो ना स्कूटी या बाइक पर चढ़ जाओ, चढ़ जाते हैं। गली के कुत्ते हो गए ऐसे नहीं कि पालतू। दुकानदार ये लोग स्कूटी में आना जाना करते रहते ना ऊपर नीचे कहीं से, बोलेंगे आके बैठ जाओ तो बैठ जाता भाई। एक वो भी एक एक कुत्ता नहीं, दो दो कुत्ते, मतलब गली के जितने कुत्ते सब आपस में एकदम बड़े प्यार से मिलजुल के भाई। ये रोड तो दिख नहीं रहा, ऑफ रोडिंग सेक्शन ना बना दे भाई। को लगा सही मछली आती है भाई वो। भाई यूजुअली बहुत सिमिलर चीजें देख के बोरिंग लगता है, आज पहली बार इतना बाइकर देखे ना। और अच्छा लगा, जंगल 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 बात चली है पता चला है, छोटी बहन के फूल खिला है मतलब कोई भी जंगल हो, हिरन वगैरह और बाकी जानवरों का नहीं पता, ये कुत्ते और बंदर हर जगह होते हैं भाई, एक लिटरली हर जगह इनका ही राज है पूरी जगह पर। यार ये साल मेरे लिए अच्छा है बुरा है तो मैं समझ नहीं पाऊंगा, बहुत कुछ हुआ है इस साल।
और 2 बार गोवा जाना हुआ भाई, ये दूसरी बार जा रहा हूँ। मेरा सपना था कि यार गोवा बाइक से जाऊँगा। रिम की मार चुट जाती है भाई। ये एक्चुअली जो गार्ट है वो स्टार्ट होने से पहले वाला पोर्शन है, जब इतनी दूर आए हैं तो यहाँ तक आना भी बनता है। फाइनली गार्ड, फाइनली कॉट अप विद दीज गाइस। बहनचोद क्या चलाते हो बे, मुझे लगा पकड़ लूंगा तुम लोगों को गार्ड सेक्शन में, कितना ही तेज चले जाओगे, साले मिल ही नहीं रहे। तो वापस चालू कर रहे हैं हम लोग। मेरी प्रिटी व्यू यार, बस यार काश ड्रोन होता हम पे भी। आएगा कभी वो दिन भी जब हम पे ड्रोन रहे। बाकी अभी के लिए हम लोग चलते हैं। थोड़ी देर के लिए जब तक बैटरी है तब तक हम शूट करते हैं। ये लोग तब तक पीछे पीछे आ ही जाएंगे, जिस तरीके से ये लोग चला रहे हैं इनको तो मैं पकड़ ही नहीं पाता हूँ भाई, तो ये लोग तो मुझे पकड़ ही लेंगे। बट अब आ चुका है मस्त खतरनाक गार्ड सेक्शन। भाई हम चाहते थे कि हम यही रिकॉर्ड करें, ये ना मिस हो, पर यार आई एम सो हैप्पी कि हम सही टाइम पे घाट्स में पहुंच गए। गोवा जस्ट 70 किलोमीटर्स मोर एंड आई विल बी बैक वंस अगेन। भाई 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 यहाँ पे तो पूरा ब्रेक कैलिब्रेशन पे चलना पड़ेगा। नो एक्सेलरेशन, इंजन ब्रेकिंग एंड अपना ब्रेकिंग, बहुत स्टीप है भाई, और क्या ही सरपेंट रोड से भाई। कार तो बहुत मुश्किल है इधर, श्रीशैलम में कम से कम विड्थ थी इवन दो इतना स्टीप था वहाँ पे भी। ओफ क्या व्यू है भाई, क्या व्यू है। प्रॉब्लम ये है कि रोक के फोटो नहीं ले सकते, जो रिकॉर्ड हो रहा है वही रिकॉर्ड हो रहा है बस। इतना स्टीप है कि कहीं फोटो लेने के लिए रोक ही नहीं सकते, और जगह भी नहीं है, तो हम रोकेंगे तो किसी को इश्यू होगा। अरे भाई 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 ओफ नो, व्हेन यू ड्राइव फॉर 12 आवर्स स्ट्रेट एंड देन यू गेट अ व्यू लाइक दिस, आई थिंक इट्स वर्थ इट मैन। एंड इट्स नॉट अबाउट कैप्चरिंग दोज मेमोरीज, लकीली मेरे पे तो चलो DJI आई मीन GoPro है, तो मैं तो बाद में भी देख लूँगा ये सब, मेरे को तो मज़ा आएगा फिर से देखने में। बट एक्चुअल में जब देखने में जो मज़ा है ना, ओह क्या ही बोलूँ मैं उसके बारे में।
बहुत सुंदर, अति सुंदर। मैप देख रहे हो आप? क्या कर्व ही कर्व है भाई। इंटरेस्ट में मैं गोवा आया लास्ट टाइम, फ्लाइट से आया, स्कूटी से घूमा बहुत जगह, बट दिस इज डिफरेंट लेवल मैन। आई लाइक टू टेक अ फोटो हियर। वी फाउंड आवर बॉयज ऑल्सो। चलो वर्थ इट। एंड हाँ, मैं उस टाइम कह रहा था ना रिकॉर्डिंग में कि ऐसा सब लोग बाइक पे जा रहे हो तो मज़ा आएगा। सेम चीज़ हो रही है यहाँ पे, लाइन से आप सब एक साथ के पीछे एक के पीछे एक। फिर भी लाइक भाई चढ़ने पे फोकस करूं कि तुमको अंगूठा दिखाऊं? एक्सेलेटर छोड़ा गया तो गया। लॉल सेम्स की, सेम्स की, जिसके पास इधर एबीएस नहीं है उसको तो भाई बहुत बुरा हाल हो जाएगा, डर जाएगा भाई वो बंदा। सब क्या एक्सीडेंट है। आई एम रियली गोइंग टू मिस दिस मैन। जब वापस आऊँगा ना तब भी रिकॉर्ड करूँगा ये वाला पार्ट। तो मैं यूजुअली मैं रिकॉर्ड नहीं करता वापस आते वक्त। वापस आते वक्त आई यूजुअली एन्जॉय द नेचुरल, आई मीन नॉट नेचुरल, बेसिकली व्लॉग करने का पर्सपेक्टिव से नहीं जाता, बिकॉज एक ही रास्ता यार, मैं आ रहा हूँ मैं जा रहा हूँ, दो बार व्लॉग तो डालने का पॉइंट नहीं, अलग रास्ते से जाऊँ तो कोई बात है। पर ये वाला जो पार्ट है ना, जेन्यूनली मेरे को रिकॉर्ड करने का मन है। मैं कुछ बोलूँगा नहीं व्लॉगिंग के पर्सपेक्टिव से, नहीं रिकॉर्ड करूँगा, बस अपने लिए एक रॉफ क्लिप रखूँगा। Beep beep beep.
काफी बड़ा है भाई। बात यह है कि इतना फोकस करना पड़ रहा है ना राइडिंग पे कि शक्ल इधर उधर घुमा ही नहीं सकते यार। हम लोग जब वापस आएंगे ना चढ़ाई के टाइम लगेज के साथ दिक्कत होगा बहुत। चढ़ाने में कोई इशू नहीं है, बाइक तो चढ़ जाएगी, पावर टॉर्क नो इशू सारी बाइक में है। इशू है तो लगेज के वेट का ऑब्वियसली। मैं तो सैडल बैग है मेरा तो लेफ्ट राइट थोड़ा सा रहेगा। क्यों भाई इस कार वाले को इतनी क्या चुल है ओवरटेक करने की, क्यों करना चाहता है ओवरटेक? जा भाई चुप जा जा, लोकल लाइट है। गोवा वाले चलाते तो थोड़ा वैसे हैं, नदारा नदारा। रोड सब बहुत प्यारी है लेकिन ये टारमा के लोग लगा लगा के बना देता तुरंत रोड। गोवा में मैंने ये चीज़ नोटिस की थी, लास्ट टाइम मैं अंजुना में रुका था बहुत गड्ढे थे, अगले दिन सुबह वो लोग काम चालू किए और ख़त्म भी कर दिए। यहाँ पे शायद ऐसा है कि बारिश की वजह से रोड इतना रहता नहीं है तो बार बार पैच वर्क वगैरह करते रहते हैं, क्या सीन है पता नहीं। ब्लूप्रिंट सो ग्लैड एंड सो हैप्पी कि मैं इतना एक्सपीरियंस हो चुका हूँ कि मैं बाइक ऐसे ऐसे कर्व्स पे अच्छे से कंट्रोल कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं इतना प्रोफेशनल नीड रैक टाइप वाला एकदम यूं यूं करके तो नहीं कर रहा,
पर जो भी मैं कर रहा हूँ एक लाइन मेंटेन करना अच्छे से कर रहा हूँ।